पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो किस प्रकार रोष प्रकट कर रहे हैं किसान फोकर मिल में। किसानों ने अपनी गन्ने की फसल जला दी है ताकि सरकार तक वो अपनी आवाज पहुंचा सके। माइक ना के लेते उड़ आवाज सुन नहीं है। छतुराम ने भी अंग्रेज के जमाने में कहा था वादी देख लेंगे वरना खड़ी फसल को आग लगा देंगे। उन्हीं के परचिनों पर चलते हुए विराट सभी किसान भाइयों ने मिलके गन्ने की होली जलाई है ये सरकार को बताने के लिए। अगर हम खड़ी फसल को आग लगा देंगे मगर मन चाहा जब तक हमारे को रेट नहीं मिलेगा तब तक एक भी टोई शुगर मिलों को सरकारों को नहीं देंगे। सरकार के मंत्री का बयान आया है, उनका कहना है कि किसान जो है तानाशाही कर रहे हैं, शुगर मिल देना चाहिए जिससे किसानों का फायदा हो और नुकसान भी ना हो। ये मंत्री उन अंग्रेजों की औलाद है, ये काले अंग्रेज हैं, किसानों को इनका नुकसान नहीं दिख रहा है। इनको पूंजीपतियों के जो शुगर मिलों के मालिक है पूंजीपति उनका नुकसान दिख रहा है। हमारा भाव बढ़ता है 1 से 2% महंगाई बढ़ती है 8 से 10%। हमारी मांग यही है इस देश में जितनी महंगाई बढ़ती है उसी हिसाब से हमारी फसलों के दाम भी बढ़ा दिए जाए। मगर ये काले अंग्रेजों की सरकार बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अब किसानों ने भी निर्णय ले लिया है चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं है जब तक हमारी बात को नहीं माना जाएगा। चलिए क्या मांग करते हैं आगे की क्या रणनीति। अभी अभी कुरुक्षेत्र सैनी धर्मशाला में पूरा प्रदेश के शुगर मिलों के 5-5 प्रतिनिधि वहाँ गए हुए हैं। वो जो भी फैसला लेंगे जितना भी कड़ा निर्णय लेंगे हम सभी लोग उसका पालना करेंगे। जो भी फैसला हुआ वहाँ होगा कुरुक्षेत्र में। अभी मीटिंग चल रही है। स्वागत है पब्लिक में। सरकार कह रही है कि 10 रुपए मतलब गन्ने का रेट बढ़ा दिया है और किसान है जो अपना धरना समाप्त करे कि मतलब इतनी सी लागत 160 रुपए की लगभग आती है कि जो कह रहे हैं मतलब क्या संतुष्टि नहीं, किसान संतुष्ट नहीं है 372 रुपए से, क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है अब जो पिछले साल 1 क्विंटल गन्ना बेच के बाजार से सामान आता था इस साल भी 1 क्विंटल गन्ना बेच के उतना ही सामान आना चाहिए। मगर हो क्या रहा है कि पिछले साल जो 1 क्विंटल गन्ना बेच के हम बाजार से सामान लेके आते हैं इस साल वो 120 किलो गन्ना बेच के सामान आ रहा है। हमारी बस यही मांग है और कोई मांग ही नहीं है, लेकिन सरकार हमारी बात को मानने के लिए तैयार है नहीं। दूसरी चीजों के 10 से 20% रेट बढ़ते हैं बाजार की महंगाई, हमारी मात्र 2% रेट बढ़ाती है, यही हमारा रोड़ा है। पिछली सरकारों में भी ऐसे होता आया, इस सरकार ने तो किसानों के नाम पे बड़ी बड़ी बातें की थी, ये सरकार उससे भी जालिम निकली।
अब इन सभी किसान मजदूरों ने निर्णय ले लिया है, हमने सारी सरकार बना के देख ली है, आगे आने वाले समय में अब किसान और मजदूर मिलके अपनी सरकार बनाएंगे। अब की बार किसान सरकार का इन लोगों ने नारा दे दिया है, जब तक इन लोगों का प्रतिनिधि नहीं होगा जहाँ कानून बनते हैं, जब तक हमारी बात बनने वाली नहीं है। अगर सरकार मतलब 10 रुपए से आगे और नहीं बढ़ाते 300 का करी रखते हैं तो फिर आगे क्या करेंगे? आगे कल से रोड जाम करेंगे पूरे हरियाणा प्रदेश में, जो भी शुगर मिल है, चाहे वो नेशनल हाईवे पे है चाहे वो स्टेट हाईवे पे है, कल से 10 बजे से सारे के सारे रोड जाम कर दिए जाएंगे। फिर भी बात हमारी नहीं मानती है, 29 तारीख को देश का गृह मंत्री को आना मारा है, उसको यहाँ नहीं घुसने देंगे, फिर भी हमारी बात नहीं मानती है। तो 29 तारीख को बोहाना में अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या मतलब अपने किसान एक बहुत सबसे बड़ा वर्ग है, जय जवान और जय किसान का नारा हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का जो किसानों को ऊपर लेके जाने का अदा किया था, तो गृह मंत्री के सामने क्या पत्नी समस्या को रखना चाहोगे या किसी से खारिज करोगे? आपके टीवी चैनलों के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से हमने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को सब बातें बता दी है, लेकिन हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारा कोई कसूर नहीं है। एक समय था इस देश में पेट भरने के लिए इतनी जीविका ज्यादा हिंदुस्तान, तब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, हमने इस पूरे देश का पेट भरा, कीड़ी से हाथी तक का पेट भरा, आज हम निर्यात करने में सक्षम हैं, उसके बाद हमारे को मिला ही कुछ नहीं। जब हमारे बच्चे हमारे पेट भूखे रहेंगे तो ऐसी जिस तरह गन्ने की होली जलाई है, आगे भी भविष्य में अपनी फसलों को जला देंगे मगर सस्ते रेट पर नहीं देंगे। मतलब अपनी फसल को आग लगा के आप सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? सरकार को हमें ये संदेश देना चाहते हैं, हम अपनी फसल पैदा करना जानते हैं तो हम फसल को अपनी आंखों के सामने फूकना भी जानते हैं, जानते हैं। अब वाजिब रेट लेंगे तो हम सरकार को गन्ना देंगे, अगर वाजिब रेट सरकार ने नहीं दिया तो खड़े खेतों को आग लगा देंगे। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज का मालिक अपनी चीज का रेट खुद तय करता है, तो किसान अब अपनी फसल का रेट खुद तय करेंगे जो जायज होगा? बिल्कुल, किसान अपनी रेट का फसल भी तय करेगा और किसान सरकार भी अपने आगे बनाएगा। 75 साल 76 साल हो गए, हमने देख लिया है कोई सरकार हमारे हक की नहीं, अब किसान और मजदूर मिलके अपनी सरकार बनाएंगे। किसान एकता पर आप क्या कहना चाहते हो? किसान एकता पर मैं जिंदाबाद जिंदाबाद, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती में जवान रहेगा। अभी ताली अंगड़ाई है, आगे और नहीं है, जय जवान जय किसान। देख लो मतलब सभी हरियाणा वासियों को यही संदेश है सरकार को हरियाणा वासियों की तरफ से कि जो जायज रेट बनता है और भी जो सरपंच है वो अपने विचार के, जो युवा सरपंच है वो अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जो पूरा मुद्दा किसान है नट से मस नहीं होने वाले, जब तक की रेट 450 ना हो वो अपनी फसल को फूक तो सकते हैं, उनका किसानों का कहना है लेकिन दे नहीं सकते, इसलिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, जो किसानों की मांग है वो बिल्कुल जायज है और मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन सरकार तो 10 से मस होने वाले नहीं, तो ये कह रही कि 10 रुपए बढ़ा दिया, खत्म करो इस धरने को। ना जी, 10 रुपए बहुत कम है, कम से कम 400 रुपए कंट्रोल के हिसाब से करना होना चाहिए जिससे किसानों को मजबूती मिले। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी थोड़ा झुकना चाहिए और जो जायज रेट है किसानों की फसल का वो देना चाहिए, ताकि किसानों का जो लागत है वो पूरी होगा, थोड़ा जो मुनाफा है वो बच जाए, किसान का जो एक बहुत बड़ा तबका वो भी ऊपर आ जाए, इस मध्यम वर्ग में जो पिस रहा है उसको भी थोड़ी बचत हो जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करियो और चैनल सब्सक्राइब करियो। धन्यवाद।